और तुम लोगों को स्टडीज का हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रीवियस क्लासेस से तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि बिजनेस किसे कहा जाता है और एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है, और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो किस तरीके से वो बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाता है, राइट। कि बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में नहीं रहता है कि अकेले रहा, एग्जिस्ट किया, ग्रो कर गया, नहीं हो सकता। उसको चाहिए होता है हेल्प। जैसे कि तुम एक स्टूडेंट हो, अपने से सब कुछ कर लोगे क्या? स्कूल चाहिए होगा, वहां से तुमको डिग्री मिलेगा, टीचर्स चाहिए होंगे जो तुमको नॉलेज देंगे, राइट। एक्सेसरीज चाहिए होगा तुम लोगों को, बुक्स चाहिए होगा शॉपकीपर के थ्रू। तो हम लोगों का लाइफ जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सिमिलरली बिजनेस अकेले में एनवायरमेंट में अकेले वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसे किसी और का हेल्प चाहिए होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे एक टर्म के बारे में जिसका नाम है स्टेक होल्डर्स। आज का क्लास हम लोग स्टेक होल्डर्स समझेंगे कि एक स्टेक होल्डर्स होता क्या है और बिजनेस से उसका क्या रिलेशन होता है और बिजनेस उसके ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर इसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, राइट। तो ये सब टर्म्स के बारे में हम लोगों को याद समझना पड़ेगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहे या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहे या एंटरप्राइज लिखा रहे, ऑल दीज द सेम, ओके। एंटरप्राइज इज ऑल्सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज और भी कितना सारा नाम होता है, कंपनी, फर्म, क्या क्या नहीं बोलते हैं हम लोग बिजनेस को, राइट। सो वो किस तरीके से बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, हम लोग आज वो चीज सीखेंगे। पर बिफोर हम लोग जो है बुक के में जंप करने से पहले हम लोग जो है इससे अपने प्राइवेट पर्सनल लाइफ से जो है रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, सो दैट हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ जाए। सो ये टर्म स्टेक होल्डर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब किस तरह का इंटरेस्ट हो, देखो मान लो कि तुम हो ये और ये तुम्हारे पापा है, राइट। दिस इज द फादर एंड दिस इज सन और डॉटर, ओके। अब तुम्हारा एग्जाम में अच्छा मार्क्स आया, 91% आ गया, तो अब तुम पापा को डिमांड करोगे कि अब मुझे जो है एक मोबाइल फोन चाहिए अच्छा वाला, या फिर सन रहेगा तो मुझे बाइक चाहिए, राइट। डिमांड करते हैं हम ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या अपने पापा को नहीं बोलते, किसी पड़ोसी के पापा को बोलते हैं, नेबर के पापा को बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, वो तुमको दिलाएंगे, तुम्हारा ख्वाहिश को पूरा करेंगे? नहीं, तुम अपने ही पापा को बोलोगे ना। क्यों? मतलब कि तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट है इनके ऊपर, राइट। कुछ इंटरेस्ट है तभी ना वो तुम्हारा नीड्स को पूरा कर रहे हैं। क्यों पूरा कर रहे हैं? उनको तुम्हारे ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट है, उनको कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है कि मेरा बेटा या बेटी अगर बड़ा होएगा तो मेरे फ्यूचर का जो है वो एक सहारा बन जाएगा, है ना। सो दोनों का एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट है, नेबर के पापा को या नेबर के बेटे को किसी का कुछ इंटरेस्ट है तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे पापा के ऊपर? नो, नेवर। सिमिलरली यही चीज को, यही इंटरेस्ट को स्टेक कहा जाता है। कितना सिंपल है ये स्टेक होल्डर्स। आज समझ में से हम लोग रियल लाइफ से रिलेट कर दिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट मींस कि उनका सोशल ग्रुप के साथ हमेशा इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। उनके वो मतलब कि सोली अकेले वो बिजनेस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं एनवायरमेंट में, ये इन्हीं लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं। इन लोगों का कुछ इंटरेस्ट होता है कंपनी के ऊपर और उन लोग मतलब कि कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होता है, मतलब कि स्टेक होल्डर्स लोगों को कुछ चाहिए होता है बिजनेस से और उल्टा बिजनेस को भी कुछ बेनिफिट्स मिलता है स्टेक होल्डर्स से। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, ओके। सो ये स्टेक होल्डर्स का क्या रोल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस में, कि वो जो है बिजनेस का फंक्शनिंग और उसके परफॉर्मेंस में जो है इफेक्ट डाल सकते हैं। अब किस तरीके से डाल सकते हैं वो, ओके स्टूडेंट्स। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर तुम लोगों का कुछ अच्छा रिजल्ट होगा तो तुम लोग अपने पापा के को अपना मतलब कि विश करोगे कि मुझे चाहिए, राइट। तो वो तुम्हारा विश पूरा करेंगे, तुम्हारा कोई नेबर नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम उनपे हक जमा पा रहे हो, तुम्हारा उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है,
अब उनका भी कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है कि हाँ मुझे इससे कुछ फायदा होगा फ्यूचर में। सिमिलरली स्टेक होल्डर्स में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही रिलेशन होता है। फादर जो है वो क्या हो गया तुम्हारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये फादर जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए और ये स्टेक होल्डर कौन हो गया, तुम हो गए। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट है बिजनेस अपने फादर के ऊपर, तुम्हारा कुछ विश पूरा हो रहा है फादर से। सिमिलरली एक स्टेक होल्डर का कुछ इंटरेस्ट जो होता है इन लोगों का, स्टेक होल्डर लोग का, वो विश कौन पूरा करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है अपने स्टेक होल्डर्स से। स्टेक होल्डर्स के बिना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, सोशल ग्रुप में, और अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सबको लेके चलना होता है। ठीक है, और अगर तुम अपने स्टेक होल्डर्स को खुश नहीं रख रहे हो तो वो बार बार आके नॉक करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इसको ठीक करो, तो वो प्रॉब्लम को नॉक से बचने के लिए जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है उन लोगों का इंटरेस्ट को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। इंटरेस्ट किस तरह का होता है हम लोग देखते हैं इस चीज को। ओके, अगर ये स्टेक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को पूरा नहीं करे तो वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस की फंक्शनिंग में और उसके परफॉर्मेंस में जो है इन लोगों का बहुत अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन लोगों अगर खुश नहीं है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल को अचीव कभी नहीं कर पाएगा। किस तरीके से, एक एक करके हम लोग इस चीज को जो है समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं हमारा फाइव सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, राइट, क्या होता है हमारा फाइव सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, वन मोर, टंग, वेरी गुड। सो ये सेंस ऑर्गन है और ये इसका पार्ट्स है ना, बिना ये सेंस ऑर्गन्स का बॉडी फंक्शन कर पाता है, नहीं कर पाता है ना। वैसे ही ये स्टेक होल्डर्स जो है एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे उसके पार्ट सब कैटेगरीज आते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ये हमारा सबसे ब्रॉड कैटेगरी है स्टेक होल्डर का। सबसे पहले जो आते हैं स्टेक होल्डर वो कौन होते हैं हमारे, कंपनी के ओनर। जैसे कि हम लोग सीखे हैं कि बिजनेस का एक रूल है कि बिजनेस का लाइफ अलग सेपरेट लीगल एंटिटी में सीखे है ना, और ओनर का लाइफ अलग होता है। ओनर जो है बिजनेस में सारा कैपिटल इनपुट करता है, राइट, इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर इज ऑल्सो ओनर, पार्शियल ओनर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, मतलब कि कंपनी में अगर उनका पैसा गया, राइट। एक और नाम से जाने जाते हैं इन्हें हम लोग एम्प्लॉयर भी बोलते हैं। चाहे ये लोग कौन हो गए, कंपनी के ओनर हो गए, मालिक हो गए, क्योंकि ये लोग जो है कैपिटल कंपनी में रिसोर्स या इसको हम लोग कैपिटल बोले वो इनपुट करते हैं। इसके बिना क्या कंपनी चल पाएगा, ये स्टॉक होल्डर के बिना, अगर ये लोग नहीं रहेंगे कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना रिसोर्स का कोई कंपनी चल सकता है क्या। कैपिटल इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट, ये लोग सब चीजें इंपोर्ट करते हैं। कैपिटल में क्या क्या आ गया, लैंड, लेबर, मनी, मशीनरी, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो लोग स्मूथली परफॉर्म कर सके, वो चीज जो है ये ओनर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, सो है ना इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट है ना कंपनी का। अब बदले में ये स्टेक होल्डर जो है ये क्या मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि इन लोग जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है मेरा, वो कैपिटल सेफ रहे, मेरा बिजनेस ग्रो करे टाइम टू टाइम, मुझे प्रॉफिट हो सके, क्योंकि ओनर का जो इनकम होता है वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। सो ये स्टेक होल्डर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक है ना, इंटरेस्ट है ना, क्या इंटरेस्ट है, उसे जो है अपना प्रॉफिट चाहिए, सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहिए, कि मेरा कैपिटल जो कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो जो है बर्बाद ना हो जाए, वो जो है मतलब कि ऐसे जगह ना डालते कोई भी, मतलब शेयर होल्डर तुम कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, सो ये देख के खरीदो कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का है। अगर कोई कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारा पूरा पैसा डूब जाएगा वहां पर, राइट। सो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिल सके, पैसा उनका जो है सेफ जगह पे रहे। ठीक है, तो ये इन दोनों का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपने स्टेक होल्डर पे इंटरेस्ट है कि उन लोगों को रिसोर्स मिल रहा है उनसे, और इन लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट है कि मुझे उन लोगों से टाइम टू टाइम प्रॉफिट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है। शेयर होल्डर है तो
डिविडेंड मिलता है, उसको इंटरेस्ट का एकदम होता है डिविडेंड, शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड। जैसे कि हम लोग अगर लोन किसी को दिए तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, ऐसे शेयर होल्डर जब कंपनी का शेयर खरीदता है तो उन लोगों को टाइम टू टाइम क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, ओनर है तो उनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहा है, राइट। सो ये उन लोगों का एक्सपेक्टेड बेनिफिट होता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरे हो गए हमारे इम्प्लॉइज। इम्प्लॉइज कौन होते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इनको हम लोग जो है वर्कर्स भी कह सकते हैं, राइट। ये लोग जो है दिन रात, क्योंकि इनके बिना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता है। ऑल्दो आप जितना भी पैसा डाल दो, मशीन लगा लो, प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको इम्प्लॉइज को, लेबर कैपिटल के अंदर क्या आता है, लेबर आता है ना, लेबर कौन प्रोवाइड करता है, इम्प्लॉइज लोग मेहनत करता है दिन रात, तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट है? हाँ है, इन लोगों के बिना बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, इन लोगों की मेहनत से ही तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। और इन लोगों का बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है? हाँ है। क्या इन लोगों को टाइम टू टाइम अच्छा सैलरी चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं अच्छा बिजनेस एनवायरमेंट चाहिए, सो दैट वो कंफर्टेबल तरीके से काम कर सके, इन लोगों को जॉब का सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा जॉब जहां पे हम काम कर रहे हैं, मेरा जॉब जो है वो सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहे हैं कल निकाल बाहर कर दिया, लॉकडाउन आया सबको जो है जॉब से निकाल दिया, इस चीज का जो है उनको चिंता ना रहे। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनके ऊपर जो है इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है कि ये लोग का हार्ड वर्क से ही वो ग्रो करेगा बिजनेस, और इन लोगों को क्या इंटरेस्ट है कि इन लोगों को टाइम टू टाइम कंपनी से सैलरी मिलता है, इन लोगों का घर चलता है, क्योंकि बिना सैलरी का बिना पैसा कोई अपने नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है, इन लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए होता है, तो मतलब कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो एक चीज दोनों में कॉमन क्या है, एक चीज दोनों में ये कॉमन है कि दोनों लोग, इम्प्लॉइज बोल लीजिए या एम्प्लॉयर बोल दीजिए, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में नहीं बल्कि इंटरनल एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। तो इन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओनर या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों कौन है, ये दोनों हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर है। ओके, इंटरनल स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि ऐसे स्टेक होल्डर्स जो कि हमारे कंपनी के अंदर पाए जा रहे हैं, इन लोगों का इंटरेस्ट है कंपनी में, कंपनी लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब खाली ऐसा ही नहीं है कि जो बिजनेस के अंदर लोग पाए जा रहे हैं कंपनी को उन्हीं के ऊपर इंटरेस्ट हो, कंपनी के बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो कौन हो गए हमारे सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब कौन होते हैं, सप्लायर्स मतलब कि मान लीजिए अगर आपका कुछ प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो या बाइसाइकिल या कार की भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको बनाने के लिए चाहिए होता है रॉ मटेरियल, इजंट इट। और ये रॉ मटेरियल कहां से आता है, सप्लायर्स लोग सप्लाई करते हैं, कभी कदर आप जाते हो पैसा देते हो रॉ मटेरियल लेकर आ जाते हो, कभी कदर रॉ मटेरियल तो ले आते हो मगर पैसा नहीं पे करते हो, तो तुम्हारे वो क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बाद में पेमेंट करेंगे हम लोग कंपनी को। अगर ये लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करना अगर बंद कर दे तो क्या कंपनी स्मूथली चल सकता है, नहीं चल सकता है ना, कंपनी का फंक्शनिंग में इंटरप्शन आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा, ओके, ब्लॉकेज आ जाएगा, उन लोगों का ठीक से स्मूथली कंपनी रन नहीं कर पाएगा क्योंकि बिना रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो कंपनी को इन लोगों को खुश रखना पड़ता है क्योंकि कंपनी का इनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है कि इन लोगों से क्या मिल रहा है कंपनी को, टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल मिल रहा है विच इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, इजंट इट, राइट। सो कंपनी का इसके ऊपर इंटरेस्ट है, क्या इसका कोई इंटरेस्ट है कंपनी के ऊपर, हाँ है, इन लोगों को पेमेंट मिलता है, प्रॉफिट इन लोगों का होता है, इन लोगों का बिजनेसमैन है, रॉ मटेरियल अगर बेच रहे हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे टाइम टू टाइम पेमेंट ना करे या इसे रेगुलर ऑर्डर्स ना दे, इन लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, पता है कि आप मुझसे ही रॉ मटेरियल खरीदो, मुझे रेगुलर ऑर्डर्स दो, आप किसी और के पास मत चले जाओ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो एक सप्लायर नहीं पाए जा रहे हैं ना, अगर मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो क्या मुझे एक ही सप्लायर से मिलेगा, नहीं दूसरे से मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये सप्लायर्स लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों से कंटिन्यूअसली खरीदे,
के रेगुलर ऑर्डर्स उन लोगों से नहीं, तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, तो ये सप्लायर्स भी हमारे क्या हो गए, एक स्टेक होल्डर हो गए, ओके, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है, ओके। अच्छा, ये सप्लायर से जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं? कस्टमर्स को बेचने के लिए, इज़न्ट इट? अब कस्टमर्स कौन हो गए हमारे, देखो कस्टमर्स कौन हो गया हमारा, कस्टमर्स वो हो गया जो हम लोग का ऑर्गेनाइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट को या सर्विस को, मतलब गुड्स या सर्विस, जो टर्म गुड होता है ना, गुड्स एंड सर्विस दोनों साथ में यूज होता है, तो गुड्स या सर्विस को जो कंज्यूम करता है उसे हम लोग कस्टमर्स कहते हैं। ये वो एक इंसान भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है वो, या एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है कस्टमर। बोलो कैसे? मान लो कि तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा नीड्स होता है बैग चाहिए, बुक चाहिए, कपड़ा चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, शूज चाहिए, ठीक है, स्टेशनरी चाहिए, तो तुम एक कस्टमर हो गए, तुम खरीदते हो शॉप में जाकर के। सिमिलरली तुम्हारा स्कूल भी एक कस्टमर है, यू नो भाई, स्कूल भी खरीदता है, बोर्ड खरीदता है, मार्कर खरीदता है, खरीदता है कि नहीं, बहुत सारा, चॉक खरीदता है, इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो कस्टमर जब भी माइंड में आता है तो हम लोगों का माइंड में आता है कि एक आदमी वही है कस्टमर, नहीं, कस्टमर कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, होल सोसाइटी इज अ कस्टमर। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और वो हर चीज, अपना ख्वाहिश का चीज हम लोग खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। आई बात समझ में? तो कस्टमर्स जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा एट अ वेरी लो प्राइस, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं? अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन प्राइस को हल्का सा बढ़ा दे, क्या इन लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ता है। कस्टमर अगर छोड़ के चला है कि ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता है, उसका प्रॉफिट जो है वो गिर जाता है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है, इसी के लिए ये कस्टमर्स भी क्या हो गया हमारा, एक स्टेक होल्डर हो गया। आ रहा समझ में? ये सारे लोग जो हमारे बात कर रहे हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, सिर्फ अंदर में कौन थे? ये दोनों। तो अगर ये इंटरनल स्टेक होल्डर हो गए तो ये दोनों क्या होगा? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो जाएंगे। दो ही नहीं है, और भी है, एक एक करके बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कस्टमर समझ में आ गया, ये हमारे स्टेक होल्डर हो गए। अच्छा, अब ये कस्टमर को जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है ये कंपनी, क्या ऐसा है एक ही कंपनी है? क्या एक ही कंपनी है जो शर्ट बनाता है, एक ही कंपनी है जो चेयर बनाता है, एक ही कंपनी जो मोबाइल फोन बनाता है? नहीं, बहुत सारा कंपनी है। और ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स। वेरी गुड। कॉम्पिटिटर्स क्या हो गए? कॉम्पिटिटर्स वो हो गए जो आपके तरह ही सर्विस, आपके तरह ही प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप ठीक से नहीं दोगे, हाई प्राइस चार्ज करोगे, क्वालिटी अगर खराब कर दोगे, डिटोरिएट कर दोगे, सो वो कस्टमर है वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर्स पाया जाता है कि नहीं? कस्टमर्स एक दो तरह का होता है, कॉम्पिटिटर दो तरीके का होता है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। अब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर क्या हो गया? जो कि सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, सेम प्रोडक्ट मतलब कि दोनों टी शर्ट पे डील कर रहे हैं, एक ब्रांड का टी शर्ट अगर पसंद नहीं आया, दूसरे दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं दूसरे के साथ। घर में टीवी होता है हम लोगों का, तो कंपनी एक ही कंपनी है क्या टीवी का? नहीं, बहुत सारा कंपनी है। नहीं, वॉच का क्या एक ही ब्रांड है? नहीं, बहुत सारा ब्रांड होता है। सो जो सेम प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। ओके, विच आर प्रोवाइडिंग सेम गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर कॉम्पिटिंग डायरेक्टली विद ईच अदर। एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स? वो क्या हो गए? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो है सेम प्रोडक्ट तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, मगर हाँ, इन लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है सेम देते हैं। जैसे कि मान लो कि एंटरटेनमेंट, तुमको एंटरटेनमेंट क्या एक ही तरह से चीजें मिलता है? नहीं। अगर हम लोग मान लो कि मूवी देखने का मूड है, सिनेमा जाकर के मूवी देख लिया, अभी फिलहाल बंद है, मगर जाते तो है ना, वहां पे हम लोग देख करके क्या होता है? एंटरटेनमेंट मिलता है, लोग बैठ करके एंजॉय करते हैं। सिमिलर तरीके का एंटरटेनमेंट कहीं और नहीं मिल सकता है क्या? ठीक है, कैसीनो जाकर के जो है हम लोग गेम खेलते, ठीक है, तो सेम तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो दोनों, मगर हाँ, तुमको सेटिस्फेक्शन सेम लेवल का दे रहा है। समझ में? सो ये हो गए हमारे दो तरीके के कॉम्पिटिटर्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स का भी जो है तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टेक होता है। कैसा स्टेक होता है?
मान लो कि तुम जो है वही प्रोडक्ट जो तुम ये प्रोवाइड कर रहे हो तुम्हारा कॉम्पिटिटर, तुम भी अगर वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करो कम प्राइस में, इसका मार्केट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसका मार्केट को जो है वो अफेक्ट करता है, इसका जो है सेल कम हो जाता है। सो तुम्हारा एक्टिविटी इसको अफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर वही चीज ये कर ले तो तुमको अफेक्ट पड़ता है। तो ये कॉम्पिटिटर्स क्या चाहता है दूसरे के साथ कि हम लोग फेयर तरीके से कॉम्पीट करें। ठीक है, चोरी चमारी करके ना करें। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रहा है बहुत अच्छा क्वालिटी का, बहुत अच्छा अच्छा रॉ मटेरियल गुड कर रहा है हम लोग इंडिया में, मान लो चाइना का आदमी भी तुमको वही चीज प्रोवाइड कर रहा है बहुत सस्ते दाम। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वेस्ट मटेरियल को यूज करके वो प्रोडक्ट तैयार कर दिया, और हम लोग जो है फ्रेश रॉ मटेरियल को यूज करके वो प्रोडक्ट तैयार किया। कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा, चाइना का कि इंडिया का? इंडिया का, मगर हम लोग खरीदेंगे चाइना का। क्यों? देखने में तो एक जैसा है, हम लोग प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या है, किस तरह से वो बना रहा है। बस सस्ता में मिल रहा है खरीद लो, कस्टमर्स का यही होता है ना, सस्ता में जो चीज मिल रहा है ले लो, महंगा फालतू का पैसा क्यों वेस्ट करे भाई, क्वालिटी पे भी तो जाओ। इंडिया का सामान जो है तुम्हारा फ्रेश रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, वो लोग वेस्ट प्रोडक्ट को केमिकल्स डाल के तुमको ऐसा शेप दे दे रहा है, लग रहा है कि बहुत अच्छा है, मगर ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया एक अनफेयर तरीके से कॉम्पीट करना। तो दो कॉम्पिटिटर्स आपस में चाहते हैं कि वो फेयर तरीके से कॉम्पीट करें। ठीक है, सो दैट वो लोग जो है अच्छे से लड़ सके। मान लो कि एक फाइट में एक बहुत ही पहलवान और एक जो है बहुत ही नाजुक सा आदमी तुम फाइट करवा दो, क्या वो फेयर कॉम्पिटिशन होगा? नहीं, सेम तरीके का लाओ ना। जॉन सीना है तो उसके सामने अंडरटेकर को खड़ा करो, तुम कोई मामूली से इंसान को खड़ा करो तो मार के खत्म कर देगा उसे, है कि नहीं? कॉम्पिटिशन जो है फेयर तरीके से होना चाहिए, ये दोनों का एक्सपेक्टेशन होता है। दैट इज वाई दे हैव अ स्टेक इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर कॉम्पिटिटर देयर इज नंबर सिक्स, दैट इज इन्वेस्टर्स। हु आर इन्वेस्टर्स? अब आप बोलिएगा सर यही तो इन्वेस्टर्स थे ना जो पैसा इन्वेस्ट किए थे। हम लोग जानते हैं ना, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो पैसा ओनर कंट्रीब्यूट कर सकता है करेगा, मगर अगर कम पड़ गया तो वो बाहर के लोगों को अप्रोच करेगा ना, तो वो हो गए हमारे इन्वेस्टर्स। मान लीजिए कि आपने लोन लिया बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंटरेस्ट है, स्टेक है, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर कैपिटल कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है और ओनर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो बिजनेस तो शुरू नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो तुमको चाहिए होगा पूरा रिक्वायर्ड ऑफ कैपिटल। कहां से मिलेगा? इन्वेस्टर्स लोगों से मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी का स्टेक है इनके ऊपर, क्योंकि इसके बिना कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगा या फिर ग्रो नहीं हो पाएगा अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं मिला। सिमिलरली इन लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है? इन लोगों को टाइम टू टाइम अपना इंटरेस्ट चाहिए होता है, जो भी लोन दे रहे हैं ये लोग इंटरेस्ट चाहिए होता है। अब कंपनी को ये लोग देखते हैं कि कंपनी सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगा तो ये लोग जो है विलिंगनेस दिखाएं कि हाँ मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि कोई फालतू कंपनी में इन्वेस्ट करे कि मेरा पैसा डूब जाए। हर कोई चाहता है कि मेरा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट भी आए और टाइम टू टाइम मुझे इंटरेस्ट भी मिलता रहे, है ना, रेगुलर इनकम आता रहे वहां से। सो यही इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर्स लोगों का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। ठीक है, सिमिलरली इन्वेस्टर्स के बाद हमारा देयर आर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अब ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गए हमारे एजेंट, या इन्हें हम लोग मिडल मैन भी बोलते हैं, लाइक होलसेलर, रिटेलर, राइट। तो उन लोगों का क्या काम होता है? एक प्रोड्यूसर क्या आपके डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट कर सकता है? क्योंकि प्रोड्यूसर का जो है पोजीशन डिफरेंट, कस्टमर का पोजीशन डिफरेंट। एक प्रोड्यूसर अपने कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। अभी हमारा ई बिजनेस आ गया है तो पॉसिबल है, पर पहले नहीं हो सकता था, अभी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। अब जो है डिस्टेंस बैरियर जो है रिमूव हो चुका है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुका है। मगर पहले क्या होता था कि जो है मिडल मैन लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। एक प्रोड्यूसर अपना सारा बनाया हुआ सामान होलसेलर को सेल कर देता था बल्क में, वो होलसेलर जो है रिटेलर को सेल करता था स्मॉल क्वांटिटी में। रिटेलर मतलब क्या, जहां से हम लोग जाके शॉप में खरीदते हैं वो लोग होते हैं रिटेलर्स, और फिर रिटेलर्स जो है कस्टमर्स लोगों को अल्टीमेटली सेल कर देता था। तो प्रोडक्ट को मूव करने का जो है एक प्रोसेस होता था कि प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। बीच में ये अगर होलसेलर और रिटेलर को उठा दिया जाए तो क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो
इन मिडल मैन लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्टेक हो गया था कि इन लोगों का प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मार्केटिंग इंटरमीडियरी का, मिडल मैन लोगों का, एजेंट लोगों का, होलसेलर एंड रिटेलर। सिमिलरली हम लोग ने आप लोगों को बताया था एड्स टू ट्रेड, जानते हैं एड्स टू ट्रेड क्या होता है, जो ट्रेड को करने में मतलब बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा रहा है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, तो डिस्टेंस बैरियर को कौन रिमूव करता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी मार्केटिंग इंटरमीडियरी। ले जाने में जो खतरा है, खतरा से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी खड़ा हो जाता है कि मैं मुझे अपने प्रोडक्ट को इंश्योरेंस करवा दीजिए, जो भी लॉस होगा उसका कंपनसेशन मैं दूंगा आप लोगों को, रिस्क को रिड्यूस कर रहा है ना। सो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिड्यूस हो जा रहा है, हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस रिड्यूस हो जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट एजेंसी, कस्टमर्स लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, एडवर्टीजमेंट करवाया, कस्टमर्स लोगों को पता चल गया, कस्टमर्स लोग खरीदना शुरू, क्योंकि तुम क्या बना रहे हो तो तुमको पता है, कस्टमर्स को तो नॉलेज पहुंचाना पड़ेगा ना, एडवर्टीजमेंट एजेंसी का हेल्प करता है। तो ये सब जो हमारे होते हैं एड्स टू ट्रेड, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, उसके बारे में बताया है कि प्रोडक्ट को जब बनाते हैं उसी वक्त कंज्यूम नहीं होता, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है कुछ टाइम तक वेयर हाउस में, है ना, ताकि उसका क्वालिटी खराब ना हो जाए। तो हर वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ओके, चाहे वो एजेंट हो गए, होलसेलर या रिटेलर, या फिर वो कोई एड्स टू ट्रेड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, वट एवर इट इज, ऑल आर दी मार्केटिंग इंटरमीडियरी जो आपकी बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। इन रिटर्न उन लोगों को अपना फीस चाहिए होता है। होलसेलर रिटेलर है तो वो लोग प्रॉफिट रख के बेचते हैं अपने नेक्स्ट इंटरमीडियरी को। अगर एड्स टू ट्रेड है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो लोग अपना फीस चार्ज करते हैं, राइट। तो बिजनेस का भी काम चल रहा है इन लोगों की वजह से, और इन लोगों का भी जो है बिजनेस की वजह से काम चल रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये भी हमारे हो गए स्टेक होल्डर। आ रहा है समझ में स्टेक होल्डर क्या होता है, जिसको तुम्हारे बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है, तुमको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, तुम्हारा काम उससे चल रहा है, अगर तुम उसका एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो वो तुम्हारा बिजनेस को क्लोज डाउन करा सकता है, इंटरप्शन डाल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हो गए हमारे कंट्री के गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होते हैं, जो कंट्री का लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, राइट, जिसको हर कोई फॉलो करता है। अब गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है क्या ऑर्गेनाइजेशन पे, हाँ है। गवर्नमेंट क्या लेता है इन लोगों से, टैक्स लेता है। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा गवर्नमेंट को उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा ना, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्टिविटीज को छोटा करना चाहे, छोटा करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट्स पर डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम हो जाएगा, गवर्नमेंट उदास हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है इसमें। इसका क्या इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रास्ता बनाता है, राइट, लाइट जलाता है रास्ते पे, क्या वो एक इंसान के लिए करता है, नहीं, सबके लिए करता है। पैसा चार्ज करता है, नहीं, जो पैसा वो कलेक्ट करता है पब्लिक से टैक्स के थ्रू, वही को वो यूज करता है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। वाटर प्रोवाइड होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है फ्री का, है ना, लाइटनिंग है रास्ते में, लाइट जला हुआ रहता है। सो ये सारा चीज जो है, खाली एक आदमी इसका फायदा नहीं उठा रहा, हर कोई उठा रहा है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो आइसोलेशन में नहीं रहता है ना, वो भी तो सोसाइटी में रहता है। सो दैट इज वाई इसका भी कुछ इसके ऊपर इंटरेस्ट है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा उसका वजह से बिजनेस भी ग्रो कर पाएगा। पहले रास्ता नहीं था, बहुत खराब रास्ता था, मतलब जहां पे बिजनेस सेटअप किए थे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कराने में बहुत दिक्कत होता था, गवर्नमेंट वहां पे अच्छा रास्ता बना दिया। अब जो है बिजनेस और अच्छा से कर पा रहे हैं, ज्यादा दूर तक रीच कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था कि आप देश के बाहर सेल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जो है उनको हटा दिया, लिबरलाइजेशन ले आया, ग्लोबलाइजेशन ले आया। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, कि आप दुनिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, किसी को भी अपना सामान दे सकते हो, किसी भी अपना सामान खरीद सकते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सुने होंगे लोग, है ना, इम्पोर्ट करके बाहर देश से खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर देश को बेचना, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज का अलाउंस दिया। गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रिक्शन डाल दे तो गर्व हो गए, बिजनेस को छोटा कर देना पड़ेगा ना, है कि नहीं। सो अभी वैसा मान लो कि गवर्नमेंट बोल दिया कि लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन है, कोई बिजनेस नहीं खोलेगा, जो खोलेगा डरना पड़ेगा, बिजनेस का रूल है ना, सॉरी गवर्नमेंट का रूल है ना, बिजनेस अफेक्ट पड़ रहा है ना, बिजनेसमैन को अफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपका एक्टिविटी आपके बिजनेस को अफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका स्टेक होल्डर्स है, अगर वो आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो आपके स्टेक होल्डर्स है। आ रहा समझ में, ये होते हैं स्टेक होल्डर्स हमारे। तो गवर्नमेंट के बाद क्या हो गए हमारे,
हैं जो जनरल पब्लिक हो गए हमारे, जो सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहने वाले लोग। सो कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो हमारे सोसाइटी में रहते हैं, उनका क्या स्टेक है एक ऑर्गेनाइजेशन पे? सोसाइटी में रहने वाले लोग ही तो हमारे इम्प्लॉइज बनते हैं आकर के। इन लोगों को कंपनी के ऊपर स्टेक है, हाँ है, क्या स्टेक है कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देता है, लोगों को जॉब देता है। देखो लोग बहुत खुश रहेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली मान लो कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारा बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरमेंट में, जहां पे हम लोग खुद भी रहते हैं। मेरे घर के बगल में एक फैक्ट्री है, बहुत धुआं निकालता है, क्या हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं? ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। हम अकेले क्यों लेंगे, जो रह रहा है वो सोसाइटी में सब ले सकता है कि नहीं? सो मेरे वजह से बिजनेस को अफेक्ट पड़ रहा है ना। अगर वही बिजनेस जो है अच्छे से लेके सबको लेकर सोसाइटी को लेकर चलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, चाइल्ड लेबर नहीं करवाएगा, चाइल्ड लेबर भी तो ये है ना, मतलब कि इलीगल है ना, अगर वो करवा रहा है तो एनजीओ होते हैं हमारे, गवर्नमेंट, बहुत सारे पब्लिक अथॉरिटीज होते हैं, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर होता है, यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो एक कंपनी अगर पोल्यूशन बहुत क्रिएट कर रहा है और वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो क्या तुम प्रमोट करोगे इस चीज को? नहीं, तुम बोलोगे नहीं, बड़ा करेगा तो और पोल्यूशन फैलेगा, हम लोग जहां रह रहे हैं हम लोग का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सो एक बिजनेस का एक्टिविटी हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इन रिटर्न हम लोग उसका एक्टिविटी को क्लोज डाउन करवा दे रहे हैं। हम लोगों को अगर हम लोगों को बेनिफिट कर रहा है तो हम लोग बहुत खुश, उसको बढ़ा देंगे, ग्रो कर देंगे, मगर वही अगर हम लोग के अगेंस्ट चले जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा, उल्टा से पोल्यूशन क्रिएट करेगा, तो हम लोग ही वो लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले लोग जो इसे बंद करवा सकते हैं। तो एक दूसरे का हम लोग स्टेक है ना एक दूसरे के ऊपर। सो ये सोसाइटी कम्युनिटी जो भी हो गए हमारे, ये भी हमारे एक जो है स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। लोकल पब्लिक, ये क्या लोकल कम्युनिटी, जो मतलब कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, लोकल पीपल, पॉपुलर नहीं होते, सुपरस्टार नहीं होते, नॉर्मल होते हैं हमारे हमारे तुम्हारे, ठीक है? सो ये लोग सारे जो होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। ओके, सो हम लोग अब जो है स्टेक होल्डर्स का मीनिंग सारा जान चुके हैं, तो हम लोग क्या कंक्लूजन में दे सकते हैं, हम लोग इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड सीरियसली कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, तभी जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दें, अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स लोगों का इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करेगा, तब क्या होगा? यही स्टेक होल्डर्स लोग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन में ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, इंटरप्शन क्रिएट करेंगे। ये लोग यही लोग जो होते हैं बिजनेस को उठा भी सकते हैं या बिजनेस को गिरा भी सकते हैं। दैट मींस के स्टेक होल्डर्स का पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कैसे? मान लो कि हम पहला वाला स्टेक होल्डर लेते हैं, पहला वाला कौन था हमारा? एम्प्लॉयर, ओनर, राइट? ओनर अगर चाहे तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करके एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा सकता है, मगर उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसको रिटर्न में प्रॉफिट मिलता रहना चाहिए। अगर उसका एक्सपेक्टेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं करेगा, तो वही स्टेक होल्डर है जो कि अपना सारा कैपिटल को विड्रॉ कर देगा। सप्लायर्स चाहे तो रॉ मटेरियल दे नहीं करके टाइम टू टाइम क्रेडिट पे तुम्हारा बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, और वही है कि अगर देना बंद कर दे रॉ मटेरियल, तो तुम्हारा ऑपरेशंस में ब्लॉकेज आ जाएगा, इंटरप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो सारे स्टेक होल्डर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पुट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पुट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये होते हैं स्टेक होल्डर्स। आई होप स्टेक होल्डर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करके सीखेंगे बिजनेस एनवायरमेंट को जानना, बिजनेसमैन अपने एनवायरमेंट के साथ इन टच क्यों रहे, अगर इन टच रहेगा तो उसको क्या फायदा हो सकता है, और अगर बिजनेस एनवायरमेंट से इन टच नहीं रहेगा, वो नहीं जानेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है, तो उसको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? ये चीज के बारे में लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।